नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम नेवरवायर का जो है सो क्लाउड एडी इंस्टॉल करने वाले हैं, तो चलिए साथ में इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि वो ओएस कैसा है। बेसिकली इस वीडियो में ही देखेंगे कि ओएस कैसा है, बस इस वीडियो में इंस्टॉल करना बताएंगे आपको, बाकी जो कैसा है कैसा नहीं है ये सब जो है दूसरे वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो बेसिकली हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब आपको बताएंगे कि जो है सो पहले आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि नेवर वायर का जो है सो हम फाइल डाउनलोड करने वाले हैं। तो नेवर वायर टाइप करेंगे, नेवर वायर और खुल गया। अरे नेवर वायर नहीं, वेयर होता है शायद मेरे ख्याल से, नेवर वेयर। हाँ देखिए आ गया नेवर वेयर और इसका क्लाउड रेडी है। तो पहले खुल जा सिम। अरे यार इसीलिए हमको बहुत गुस्सा आता है, इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है। तो इसका वेबसाइट खुल चुका है और बेसिकली अब देख सकते हैं यहाँ पे ओके, उसके बाद इसको काटो। तो यहाँ पे इसका वेबसाइट कुछ इस तरीके का है और ये पता नहीं क्या मैसेज है, इसको हटाओ। नहीं 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 चाहिए, इसको काटो। तो बेसिकली इस वेबसाइट पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ये आपको नीचे ले जाएगा। और इसका फ्री वर्जन जो है वो होम यूज़ के लिए है, बाकी जो है एजुकेशन और इंटरप्राइज के लिए आपको जो है सो बेसिकली ख़रीदना पड़ेगा। तो हम बेसिकली फ्री वर्जन डाउनलोड करेंगे, तो फ्री वर्जन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये कुछ इस तरीके का ले जाएगा पेज पे। तो बेसिकली इस पेज पे आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताया गया है और कंपेटेबल डिवाइस है या नहीं आपका, इसके बारे में बताया गया है ज़्यादातर। तो बहुत सारा तरीका है इसमें इंस्टॉल करने का और सभी मशीन के लिए अलग अलग तरीका बताया गया है, लेकिन एक्चुअली में हमको यहाँ पर विंडोज़ के लिए बताया गया है कि आप उसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंस्टॉलर डाउनलोड कीजिएगा ना, तो कुछ नहीं करना है, इंस्टॉलर को जो है सो ओपन कीजिएगा और उसके बाद नेट कनेक्ट कीजिएगा और अपना यूएसबी कनेक्ट कीजिएगा और उसके बाद नेट फास्ट होना चाहिए, आपका 1 GB का फाइल है। और आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा इंस्टॉल पे तो वो ऑटोमेटिक नेट से जो है सो फाइल डाउनलोड करना शुरू कर देगा और उसको आपके यूएसबी में भेजना शुरू कर देगा, उससे यूएसबी इंस्टॉलर बन जाएगा। और मैक के लिए क्या था भूल चुके हैं, मैक के लिए क्या था हम एक्चुअली में याद नहीं है, हाँ याद नहीं फिलहाल, लेकिन हाँ मैक के लिए और क्रोमबुक के लिए शायद सेम ही है कि इसमें मैक या क्रोमबुक में आप क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल कीजिए। ऑब्वियसली आप में होगा ही, क्रोमबुक है तो क्रोमबुक में क्रोम ब्राउज़र होता ही है, क्रोमबुक हो या फिर क्रोमियम बुक हो जो भी है, और जो कि आप इंस्टॉल करने वाले हैं वो एक क्रोमियम ओएस ही है, क्रोमियम बेस्ड ओएस ही है, नेवरवेयर का वेयर का क्लाउड रेडी एक क्रोमियम बेस्ड ओएस है। तो उस दोनों में आप क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड कीजिए और क्रोम ब्राउज़र का एक एक्सटेंशन आता है, इसके अंदर जाइएगा ना, देखिए इफ़ यू क्रोमबुक तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप में एक जो है सो क्रोम ब्राउज़र होगा ना, तो क्रोम ब्राउज़र में एक उसका अपना ऐप आता है, बेसिकली उस पर क्लिक कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे है रिकवरी यूटिलिटी, क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी, पहले आपको इस पर क्लिक करना है, ये 32 बिट के नीचे ये जो क्लिक हियर है क्रोमबुक के लिए और मैक के लिए नहीं, क्रोमबुक के लिए, और विंडोज़ में भी ये काम करता है। और क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको बेसिकली क्रोम स्टोर ले जाएगा, तो उसको आप क्रोमबुक में अपने ब्राउज़र में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, उस एक्सटेंशन को। देखिए डाउनलोड गूगल क्रोम, मेरा फायरफॉक्स है इसलिए जो है सो बोल रहा है, तो इसको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा ना, तो वो आपके जो है सो बेसिकली ब्राउज़र आपके जो है सो ऐप में आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब विंडोज़ के स्टार्ट बटन के अंदर में आ जाएगा जहाँ पे ऐप्स का लिस्ट होता है, ऑटोमेटिक ऐड कर देता है क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी। उससे भी आप जो है सो बड़ा ही सिंपल है, उससे भी आप कर सकते हैं। और बेसिकली ये आसान था इसलिए हम इसका नहीं बताने वाले, हम कुछ अच्छा बताने वाले हैं। तो आप देखिए इंस्टॉलर डाउनलोड कीजिएगा विंडोज़ के लिए और उसके बाद आप जो है सो उसको जो है सो नेट कनेक्शन रखिएगा, फ्लैश करिएगा, मान लीजिए कहीं फेल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका कोई भरोसा नहीं है एक्चुअली में कहने का मतलब। तो इसीलिए हम दूसरा तरीका बोले हैं कि डायरेक्ट उसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए, 32 बिट है या
64 बिट है जो भी है, तो हम 64 बिट डाउनलोड करेंगे। जैसे कि हम 64 बिट पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आया, 1 GB का फाइल है, हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो डाउनलोड करने का झंझट नहीं है मेरे पास। उसके बाद जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसके बाद एक टूल आता है बेसिकली बेलिनाइचर, ये सभी के लिए अवेलेबल है, मैक ओएस के लिए अवेलेबल है। देखिए बेलिनाइचर का खुल गया, तो belina.io ईचर का जो ये वेबसाइट है यही है वो एक्चुअली में उसका वेबसाइट, तो ये तीनों के लिए अवेलेबल है। लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, जिसमें अभी हम चला रहे हैं, लिनक्स में ही अभी हम चला रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे देखिए विंडोज़ के लिए भी है 64 बिट, 86 बिट, अरे नीचे जाना, हाँ विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है जो है उसका इंस्टॉलर और पोर्टेबल दोनों ही अवेलेबल है। मैक ओएस के लिए अवेलेबल है और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो हम लिनक्स का ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए, आप चाह के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दो ही चीज़ था, और आप तो या तो क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी से भी कर सकते हैं और या बेलिनाइचर से भी कर सकते हैं। हम क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी से पहले किए थे और हुआ ये कि ये वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं, और बेसिकली हुआ ये कि जब इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आया ना, तो हम हार्ड डिस्क पे क्लिक कर दिए गलती से, जो जब वो ओपन हो गया तो गलती से इंस्टॉल पे क्लिक हो गया। कहने का मतलब कि जब वो ओएस हम बूट कर लिए यूएसबी से तो इंस्टॉल का ऑप्शन क्लिक हो गया, तो जिसकी वजह से वो पूरा हार्ड डिस्क वाइप कर दिया मेरा, और जो है सो वो उसको ओएस को इंस्टॉल कर दिया, तो मेरा हार्ड डिस्क वाइप कर दिया। कहने का मतलब मेरा सारा का सारा डेटा जो है सो डिलीट हो गया। हालांकि ज़्यादातर हम डेटा रखते नहीं है मतलब अपने कंप्यूटर में, ज़्यादातर मेरा क्लाउड में रहता है, लेकिन एक्चुअली मैं जो डेटा रिकॉर्ड किए थे वो वीडियो वो सब तो उसी में था ना, तो इसलिए वो सब डिलीट हो गया, इसलिए हम दोबारा से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। और मेरा विंडोज़ 10 जो है सो चला गया हमेशा के लिए, तो विंडोज़ 10 अभी जो है सो लिनक्स जो है सो इंस्टॉल किए हैं दोबारा से, और अभी हम आपको बता रहे हैं। तो बेसिकली विंडोज़ 10 मेरा पूरा का पूरा डिलीट हो गया, नहीं तो अगर विंडोज़ 10 होता तो मैं विंडोज़ 10 पे ही बताता आपको। तो विंडोज़ 10 पे भी कर सकते हैं बेलिनाइचर, चूँकि विंडोज़ 10 के लिए अवेलेबल है, इसलिए हम पिछली बार हम क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी से ही किए थे इंस्टॉल, बस इस बार जो है सो हम बेलिनाइचर से कर रहे हैं। तो बेलिनाइचर से करने के लिए उसके बाद बेलिनाइचर जो है सो ओपन कर लीजिए। उसके बाद बेलिनाइचर खुले तो इमेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। इमेज सेलेक्ट करने के लिए आप जो अभी डाउनलोड किए थे, मेरा कहाँ पे है, नहीं इसमें नहीं है, क्लाउड रेडी ये रहा, तो इसको और उसके बाद यूएसबी सेलेक्ट टारगेट में यूएसबी लगाना है आपको। उसके बाद हम अपना यूएसबी लगा लेते हैं, तो यूएसबी लग चुका है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, और उसके बाद फ्लैश पे क्लिक करना है। ये पासवर्ड मांगेगा लिनक्स में, विंडोज़ में भी हो सकता है आपका परमिशन मांगे, लेकिन अब ये शुरू हो चुका है। एक्चुअली में ये फाइल जो है कहने के लिए 1 GB का है, लेकिन उसके अंदर में 6 GB का जो है सो फाइल है, समझ गया, बिन फाइल। तो देख सकते हैं ये फ्लैशिंग में अभी टाइम लगा रहा है, क्योंकि अभी 0% फ्लैशिंग है। इसका रीज़न ये है कि अभी ये एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। देखिए अभी 1% फ्लैशिंग हो गया, और ये डायरेक्ट जो है सो बिन से जो पता नहीं क्यों ये एक्सट्रैक्ट नहीं किया, और जबकि जो है हमारा आप एक्सट्रैक्ट करके भी कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कीजिए उस फाइल को, उसके बाद जो है सो फ्लैश कीजिए, और या फिर आप जो है सो क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी से करते तो आप दोनों को कर सकते हैं, या तो उसको एक्सट्रैक्ट करके कीजिएगा तो भी हो जाएगा, और बिना एक्सट्रैक्ट किया कीजिएगा तो वो जो है सो इंस्टॉलर पहले एक्सट्रैक्ट करता है उसको, उसके बाद करता है, तो दोनों से भी हो सकता है। हम बिना एक्सट्रैक्ट किए कर रहे हैं, तो इसको प्रोसेस होने दीजिए, तब तक के लिए हम वीडियो पॉज। हो चुका है फ्लैशिंग और होने ही वाला है, उसके बाद मेरे ख्याल से वो भी करेगा ना वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन भी होगा उसके ख्याल से। 99% वैलिडेटिंग बोले थे ना कुछ गड़बड़ करेगा, अब वैलिडेशन हो रहा है, जो भी है होने देते हैं इसको। 98% वैलिडेटिंग 99% वैलिडेटिंग एंड अनमाउंटिंग हो गया। अब बेसिकली कुछ नहीं करना, अब सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और बायोस में जाके बेसिकली इसको बूट करना है, और उसके बाद अगर अपना हार्ड डिस्क में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बड़ा इजी स्टेप है, हम आपको बता देंगे एक्चुअली, और कुछ नहीं, चलिए रीस्टार्ट करते हैं।
तो पावर ऑफ कर चुके हैं। अब बेसिकली बायोस में जाने के लिए पावर बटन दबाना है, और उसके बाद बेसिकली अगर आपका डेल है तो F12 दबाते रहना है, अगर आपका HP है तो ESC दबाते रहना है। लेकिन हर एक लैपटॉप का अलग अलग होता है, तो आपका बायोस सेटिंग्स में जाने के लिए कौन सा की है ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम पासवर्ड डालेंगे, मेरे बायोस में पासवर्ड लगा हुआ है। उसके बाद एंटर मारते ही हम F12 दबाना शुरू कर देंगे, देख सकते हैं तो बायोस में आ गए। उसके बाद जेनेटिक मास स्टोरेज ये जो है UEFI बूट में आ जाता है बेसिकली। और बेसिकली आपका यू अगर नया लैपटॉप है, मतलब 2017 के बाद का है, तो बेसिकली UEFI उसमें होगा ही होगा, और नहीं है तो फिर आप कैसे भी करके फिगर आउट कर लीजिए। हर एक लैपटॉप के केस में अलग अलग हो सकता नहीं, होता ही है। और इसीलिए जो है सो देखिए क्लाउड डेटी शुरू हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और बेसिकली ये जो है सो उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद कुछ इस तरीके का इस पे मतलब जो है सो मेनू आ जाएगा। तो हम फिलहाल अपने लिए इनेबल डिबगिंग कर देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, डिबगिंग फीचर कैन नॉट कम्प्लीटली इनेबल ऑन ऑन दिस क्रोमियम डिवाइस। ओके, एसेसिबिलिटी में क्या है, लार्ज माउस कर्सर, क्रोम बॉक्स, स्पोकन फीडबैक नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सेलेक्ट टू स्पीक, और उसके बाद ओके नहीं चाहिए, लेट्स गो। उसके बाद कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क, तो अभी हम इसको वाईफाई देते हैं। बैक जाते हैं, उसके बाद दोबारा से इधर जाते हैं, मेरा नेटवर्क शो नहीं कर रहा है इसमें, आ गया। कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट हो गया। उसके बाद ऑनोनमस डाटा कलेक्शन, सेंड मैट्रिक्स टू द इम्प्रूव क्लाउड, चले कोई बात नहीं, सेंड कर देते हैं डाटा। उसके बाद प्लीज वेट, यहाँ तक तो आ गए बेसिकली। अब क्लाउड डेटा इंस्टॉल हो चुका है, तो साइन इन करना है क्रोमबुक में। एक्चुअली मैं साइन इन करे या नहीं पता नहीं, कर लेते हैं क्या जाता है। तो देख सकते हैं आप क्रोमियम OS जो है सो इंस्टॉल हो चुका है। थैंक्स फॉर यूजिंग क्लाउड रेडी होम एडिशन, व्हाट्स न्यू इन द रिलीज, गेट स्टार्टेड। तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और ये बेसिकली एक पेज पे लेके जाएगा। नीचे में ये है, कुछ ऐप्स है इसमें, ज़्यादा कुछ ऐप्स नहीं है, फाइल्स है, क्रोमियम है, वर्चुअल बॉक्स भी दिया हुआ है, और ये सब क्या आ गया। ओ हाँ, ये बेसिकली अब जो है सो जितना भी ऐप्स होगा मेरे एक्सटेंशन सब होगा, वो सब डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो ये है, ये फिर से गेट स्टार्टेड पे आ गया, सो क्रॉस कर देते हैं, टेक अ टूर, गो टू योर फा, उसके बाद है, उसके बाद है वाईफाई वाला, कीप एक्सप्लोरिंग पे क्लिक करते हैं, उसके बाद काट देते हैं, उसके बाद ये इसको, तो ये है कुछ इस तरीके का। तो बेसिकली अब काम कर रहा है, लेकिन अब हमको करना ये है कि OS को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसको, बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है इंस्टॉल OS का, इस पे क्लिक करते हैं, क्लाउड डेडी इंस्टॉलर। तो उसके बाद इंस्टॉल क्लाउड डेडी, इरेज हार्ड ड्राइव एंड इंस्टॉल क्लाउड डेडी,
वन लास्ट ओवर इंस्टॉलेशन विल इलेज योर इंटायर हार्ड ड्राइव मेक्स योर टू हैव एनी डाटा केवर बैकडअप वंस इंस्टॉलेशन स्टार्ट इट्स कैन नॉट बी कैंसल्ड। ओ तेरी की, हमको तो नहीं बेसिकली हमको जो है सो नहीं करना है हार्ड ड्राइव को रीसेट, तो बेसिकली हम यहीं तक रुक जाएंगे। इसके आगे अगर आपके पास एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव हो तो आप हार्ड ड्राइव को इरेज करके जो है सो बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमको हार्ड ड्राइव इरेज नहीं करना है तो इसलिए हम यहीं तक रुक जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अधूरा है, क्योंकि अभी हमको हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करना था, लेकिन एक्चुअली में हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल करेंगे तो मतलब पूरा डेटा लॉस हो जाएगा, तो इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे तो क्या बोले, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।